हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग मस्त होंगे, सभी चीज़ें सही चल रही होंगी। अब चलिए इसमें थोड़ा आगे हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर वो आपका अवेलेबल एनर्जी जो है अलग अलग बॉडीज़ के लिए, जैसे आपको सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए फ्लो प्रोसेस अगर होता है तो वहाँ पर हम लोग अवेलेबल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास हो सकती है कि सॉलिड बॉडी हो और लिक्विड बॉडी हो, तो सॉलिड और लिक्विड को इसलिए ले रहे हैं कि दोनों बॉडी आपका इनकम्प्रेसिबल कंसिडर होता है। तो इसमें आपका क्या है, दोनों के लिए आपके सेम चीज़ें निकल कर आएंगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो गैसेस जो होती है तो गैसेस के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपका कोई फ्लो प्रोसेस हो रहा है जहाँ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगता है, तो इस तरीके की अगर चीज़ें तो वहाँ पर ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट हो सकती है। तो हम लोग वन बाई वन क्या है, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस और आपका जो फ्लो प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर हमारा अवेलेबल एनर्जी कैसा कैलकुलेट हो सकता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड के साथ। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं अवेलेबल एनर्जी जो है किसके लिए देख रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो अवेलेबल एनर्जी ऑफ, एक तो आपकी हो सकती है चीज़ें सॉलिड और दूसरी आपकी चीज़ें क्या हो सकती है, लिक्विड। कहानी को समझ में आया, एक आपकी सॉलिड और दूसरी क्या हो सकती है, लिक्विड। तो अगर हम लोग इस केस में बात करें तो क्या होगा, अगर हम लोग इस केस में देखें तो अवेलेबल एनर्जी हमारा सॉलिड और लिक्विड के लिए बात हो रही है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो फ्लो आपका क्या इनकम्प्रेसिबल है। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ें देखेंगे तो आपको देखिए क्या क्या चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पर चेंज इन अवेलेबल एनर्जी है, तो डी ऑफ अवेलेबल एनर्जी लिखा जा सकता है या चेंज इन अवेलेबल एनर्जी। तो ये जब आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये आपको मिलेगा U1 माइनस टी नॉट एस वन, ठीक है, माइनस U2 माइनस ऑफ टी नॉट एस टू। अब देखिए ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, अब बात है कहाँ से आया ये, देखिए कहाँ से आया ये लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, वो मैं डेरिवेशन आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चैप्टर्स में मैं कुछ लिमिटेड पार्ट कवर करूँगा। तो इसको आपको जैसे सॉलिड और लिक्विड के लिए बोलता है तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और अवेलेबल एनर्जी आपको बोला हुआ है तो U1 और U2 आप समझ रहे हैं, तो U0 माइनस T0S1 और U2 माइनस T0S2। बिल्कुल माइंड पे प्रेशर डालने का जरूरत नहीं है, अभी बिल्कुल ये तीनों लिखने दो, उसके बाद आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। टर्म्स थोड़े से नए हैं इसलिए हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़ हो रहा हो, बच्चे भी क्लास में थोड़े कन्फ्यूज होते हैं इस टर्म्स को लेके, लेकिन एंड आते आते वो चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी, उस चीज़ का टेंशन मत लीजिए, बस आप देखते रहिए अभी। तो U1 माइनस T0S1 माइनस U2 माइनस T0S2 ये आपका चेंज इन अवेलेबल एनर्जी है। तो इस चीज़ को देखिए सीधा सीधा हम लोग ये मान सकते हैं क्या कि ये जो लंबा चौड़ा टर्म्स है इसको अगर याद करने में प्रॉब्लम है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं Φ1 और इस टर्म्स को हम लोग क्या डिफाइन कर देते हैं Φ2। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर मैं फाई लिखूँ तो फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू जो हमारा इक्वेशन बना हुआ है यहाँ पर बना हुआ है यू माइनस टी नॉट एस, यही तो फाई इक्वल टू इक्वेशन बना हुआ है। मतलब अगर आपको ये Φ1 माइनस Φ2 का फॉर्मेट याद रखिए और यहाँ पर ये याद रखिए कि यू माइनस टी नॉट एस रखना है। कहानी कुछ क्लियर है, कुछ ही होना चाहिए, आगे तक जाते जाते आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए अवेलेबल एनर्जी किसके लिए, सॉलिड लिक्विड तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं फॉर गैसेस, अवेलेबल एनर्जी फॉर गैसेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सॉलिड और लिक्विड आ गया, अब हमें किसके लिए बात करना है, गैस के लिए। तो गैस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर आपसे अगर कोई पूछे कि भैया चेंज इन अवेलेबल एनर्जी क्या हो रहा है, इसको डी नहीं लिख के ऐसा लिखिए ज़्यादा बेस्ट है, कंप्लीट डिफ्रेंशिएट है। तो ये चेंज इन अवेलेबल एनर्जी जब निकालोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो सॉलिड और लिक्विड क्या था, इनकम्प्रेसिबल था, तो इनकम्प्रेसिबल था तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर कॉन्स्टेंट मिला हुआ था और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मिला हुआ था, इनकम्प्रेसिबल है तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कॉन्स्टेंट था, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चेंज इन अवेलेबल एनर्जी आपको गैसेस के लिए बात हो रहा है तब कहीं ना कहीं प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर चेंजेस तो होंगे, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम जो भी है ये चीज डिफाइन होगा। तो यहाँ पर ये टर्म्स आने के लिए देखिए इसी टर्म्स को देखते रहिए आप, U1 माइनस T0S1, कहानी क्लियर, प्लस ये आपका जो टर्म्स है ये आपका डिफाइन हो जाएगा क्या, तो ये आपका डिफाइन होगा क्या, P0 V1। व्हाट इज P0? P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो ये आपका पहला टर्म्स डिफाइन हुआ माइनस, उसी तरीके से दूसरा टर्म्स डिफाइन होगा, ये आपको बनेगा U2 माइनस T नॉट S2 प्लस ये आपको बनेगा P नॉट V2। तो यहाँ पर भी देखिए तो आपको फॉर्मेट कहीं ना कहीं बिल्कुल वही चीज़ दिख रहा है जो हमने बात किया हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे तो ये आपका जो टर्म्स है दिस इज phi1, और ये वाला जो टर्म्स है आपका दिस इज phi2। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपको जो इक्वेशन मिला वो आपको ये इक्वेशन मिला, और यहाँ पे आपको देखो इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा फाई के टर्म्स को याद रखिए, आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं यू माइनस टी नॉट एस प्लस पी नॉट बी, कहानी खत्म। और सुनो एच इक्वल टू यू प्लस पी बी होता है ना, एच इक्वल टू यू प्लस पी बी होता है, तो इसको आप एच भी तो लिख सकते हो, तो इसको हम लोग फाई इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं क्या, एच माइनस टी नॉट एस, कहानी खत्म, क्लियर है। तो ये आपका किसके लिए, गैसेस के लिए, तो सीधा सीधा फाई वाला टर्म्स याद रखिए, सॉलिड के लिए आपका, लिक्विड के लिए बोल रहा है तो यू नॉट माइनस टी नॉट एस वन, बात ये सब डेटा कहाँ से निकलेगा, ये सब डेटा आपको एग्जाम्स में दिया रहता है। दूसरा चीज, अगर आप ये जो है डी एस की बात की है तो एस वन माइनस एस टू हो सकता है कि आपको डी एस एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दे, क्योंकि देखो टी वन जब कॉमन लोगे तो यहाँ एस टू माइनस एस वन का कंपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी चीजें इसको क्या है आगे मैनिपुलेट करता है। नहीं समझ में आया, देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक बार देखिएगा, ये आपको क्या मिलेगा U1, ये आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा U2, ये देखो ये माइनस है तो ये आपको क्या मिला माइनस ऑफ T नॉट S1, और ये आपको क्या मिल गया प्लस T नॉट S2। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका पोर्शन है U1 माइनस U2, तो इसको आप डेल U भी लिख सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो माइनस ऑफ डेल U लिख दिए, इसको हमने लिख दिया माइनस ऑफ डेल U माइनस, यहाँ से आप क्या करो T नॉट को कॉमन ले लो, तो जब T नॉट को कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा S2 और माइनस ये क्या मिलेगा S1, तो ये आपका क्या है डेल S हो गया। तो कभी कभी क्या करता है क्वेश्चंस में आपको सीधा सीधा सॉरी सीधा सीधा आपको इंटरनल एनर्जी दे देगा और चेंज इन एंट्रोपी आपको दे देगा और बोलेगा क्या कि आप सॉलिड और लिक्विड के लिए अवेलेबल एनर्जी निकालिए। तो T नॉट इज द व्हाट, T नॉट आपको बार बार बोल रहा हूँ सराउंडिंग टेम्परेचर है, और P नॉट आपका क्या है यहाँ पर सराउंडिंग प्रेशर है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो इस चीज को भी लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। टी नॉट जो है आपका, टी नॉट है आपका क्या, इट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, और जो हमारे पास, अच्छा सराउंडिंग को एम्बियंट भी बोलते हैं, एक दो बार और बता चुका हूँ लेकिन फिर भी डाल लीजिए दिमाग में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एम्बियंट के नाम से कई बार एग्जाम्स में पूछता है। बेसिकली सराउंडिंग कम यूज करेगा, एम्बियंट वर्ड ज्यादा यूज करेगा। पी नॉट की बात करेंगे तो पी नॉट आपका क्या होता है, पी नॉट आपका होता है सराउंडिंग प्रेशर, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इसको भी मैनिपुलेट कर सकता है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हुआ। तो ये जो हमारी कहानी थी अवेलेबल एनर्जी किसके किसके लिए आ गया है, सॉलिड लिक्विड वाला हो गया, गैस हो गया है, बचा आपका फ्लो प्रोसेस। फ्लो प्रोसेस का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, अगर मैं फ्लो प्रोसेस की बात करता हूँ तो फ्लो प्रोसेस में आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है, किसी भी टर्म्स को हम लोग कैसे हम लोग फ्लो प्रोसेस के अंदर डिफाइन करेंगे। देखिए फ्लो मतलब सीधा सीधा क्या, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है, चुपचाप आपको क्या करना है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाना है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में क्या होगा, ये वाला टर्म्स तो आपका नहीं है, क्योंकि जब फ्लो हो रहा है तो फ्लो किसका होगा, लिक्विड और गैस का होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, H इक्वल टू यू प्लस पी वी वाला मतलब ये टर्म्स तो आएगा ही, लेकिन जब आपकी फ्लो होनी चीजें स्टार्ट होगी तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म्स आ जाएगा, और मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म्स आ जाएगा। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो देखिए आपको इस पे क्या मिल जाएगा, अगर बात करें तो देखते हैं, देखिए ये जो टर्म्स है तो इसको मैं रफ करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं अवेलेबल एनर्जी किसके लिए, स्टडी फ्लो प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो फ्लो प्रोसेस के लिए हमारा कैसा डिफाइन हो सकता है, अगर देखें तो देखिए यहाँ पे ये अवेलेबल एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी फॉर फ्लो प्रोसेस। तो अगर कोई भी चीज़ें अगर आपकी फ्लो हो रही है तो वो फ्लो प्रोसेस में हमको कैलकुलेट करना है अवेलेबल एनर्जी को, तो ये हमारा कैलकुलेशन के लिए क्या है, ये वाला टर्म्स तो आपको आना ही है। कौन कौन सा टर्म्स, देखो इसको डायरेक्ट H माइनस टी नॉट एस लिख दो, पहले ये लिखता हूँ, चलो ये जो आपका चेंज इन अवेलेबल एनर्जी है तो चेंज इन अवेलेबल एनर्जी को हम लोग क्या लिखेंगे, ये टर्म्स को देखिए, ये हमने लिखा है यू वन माइनस टी नॉट एस वन प्लस ये आपको क्या मिल जाएगा पी नॉट वी वन, यहाँ तक तो हमने कुछ नहीं किया है प्लस। अब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी को जो वेलोसिटी हम लोग सी लिख देते हैं,
तो हाफ सी वन का स्क्वायर बाई टू प्लस ये आपको क्या मिल जाएगा एम जी जेड वन। कहानी कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका पहला वाला टर्म्स डिफाइन हुआ। माइनस ये हम क्या लिख सकते हैं यू टू माइनस टी नॉट एस टू प्लस आप बात करोगे तो पी नॉट वी टू प्लस ठीक यही बात होगी आपकी एम सी टू का स्क्वायर बाई टू प्लस एम जी जेड टू। बस कहानी खत्म है। अब इसको क्या करो, मास से डिवाइड कर दो, ज़्यादा बेस्ट है। मास को लेके हमको नहीं चलना है, पर केजी में चलिए, जितना बोलेगा तो हम लोग इसको सब लास्ट पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको देखो क्या दिखेगा, इस कंडीशन पे अगर आप देखेंगे तो देखिए सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं क्या, यू वन माइनस टी नॉट एस वन प्लस पी नॉट वी वन प्लस सी वन का स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन। ये एक्चुअल में आपका फंक्शन आया। ठीक है, माइनस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यू टू माइनस टी नॉट एस टू प्लस हम लोग क्या मिलेंगे, अच्छा पी नॉट वी वन है। ठीक है, तो ये आपको बनेगा पी नॉट वी टू। ठीक है, ये सब स्मॉल हो जाएंगे, सब डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, प्लस ये आपको बनेगा क्या सी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू। कहानी कुछ क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो फाइव वाला फंक्शन दिख रहा है, ये आपको देखिए ये आपका फाइव वाला फंक्शन है, दिस इज अ फाइव टू, और ये वाला जो फंक्शन है ये आपको मिल रहा है दिस इज द फाइव वन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो चेंज इन अवेलेबल एनर्जी आपको निकल कर आया हुआ है स्टडी फ्लो प्रोसेस के लिए, और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो सीधा तो यहाँ फाइव का वैल्यू आप याद रख लो, फाइव की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यू वन माइनस टी नॉट एस, तो यू वन को हटा दो, टी नॉट एस प्लस ये आपको क्या मिलेगा पी नॉट वी प्लस सी का स्क्वायर बाई टू प्लस ये आपको क्या मिलेगा जी जेड। कहानी क्लियर है? तो ये जो आपका आया हुआ है फाई की वैल्यू, तो ये आपका कहीं ना कहीं चीज़ें को क्या डिफाइन कर रहा है फ्लो प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो फ्लो प्रोसेस के लिए अगर आपसे बोले तो यू माइनस टी नॉट एस प्लस पी नॉट वी सी स्क्वायर बाई टू जी जेड वन, तो ये आपका फ्लो प्रोसेस के लिए चीज़ें डिफाइन है। और अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं सॉलिड लिक्विड और जैसे हमारा फ्लो प्रोसेस की है, तो ये हमने तीनों कंडीशन के लिए यहाँ पर देख लिया है कि जो हमारा अवेलेबल एनर्जी इस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी क्लियर हुआ? तो ये आपके कुछ बेसिक्स थे जहाँ पर हमने ये पूरे अगर ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो देखिए बिल्कुल छोटा चैप्टर है, हार्डली मुझे लगता है कि आपका आधा घंटा 40 मिनट के अंदर अंदर चीज़ें निपट गई होंगी। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह है, जैसे जैसे हो रहा अपडेट करूंगा इसमें, तो उसमें आपको चीज़ें क्या क्या दिखेंगी वहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है, और ये इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है। और आपको कहीं ना कहीं याद हो तो हमने एंट्रोपी को डिफाइन किया था, एंट्रोपी रिप्रेजेंट इरिवर्सिबिलिटी। क्लियर हुआ क्यों हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी क्या रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को? तो ये लाइन मैंने एंट्रोपी में भी लिखवाया था और यहाँ पर भी मैं आपको एक लाइन ऐड कर दे रहा हूँ, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रोपी से रिलेटेड है। हालांकि मैंने वहाँ भी लिखा और बताया था कि मैं स्टर्म्स में डिफाइन करूंगा, तो जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या है, इट रिप्रेजेंट इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, कहानी क्लियर हुआ? तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपकी चीजें हैं। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पर फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।